चैनल आर्टी स्टाइल। आज मैं बनाने जा रही हूँ टेबल मैट्स, जो कि हम ड्राइंग रूम में या कहीं भी डेकोरेशन पीसेस रखने होए, कुछ भगवान की पीसेस रखना, भगवान की मूर्ति रखनी होए, या आप कोई भी चीज़ इनके ऊपर रख सकते हैं। तो ये मैंने वेलवेट का क्लॉथ लिया है, जो कि मैं आपको बता दूंगी कि हमको किस तरह से बनाने हैं। बैक साइड पर हमने लाइनिंग लगाई है और ये मैंने गोल्डन लेस लगाई है। ये मैंने ऐसी लेस लगाई है जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ से मुड़ जाती है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो गोलाई आएगी, क्योंकि हमने इसमें फोम डाली है, लाइनिंग लगानी है और ऊपर का वेलवेट का पीस लगाना है, तो किनारों को कवर करने के लिए हमको बायस टेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आज बायस टेप का यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट ये लेस लगाई है जो कि हमारे को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से मुड़ जाती है और ये दोनों कवर हो जाता है, पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा। तो ये आज हम बनाने जाएंगे। तो मैंने ये तीन साइज बनाए हैं, वन स्मॉल स्मॉलर साइज, मीडियम साइज एंड साइज आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पे कोई भी प्लेट अपने अकॉर्डिंगली साइज के आप यूज़ कर सकते हैं और मार्किंग कीजिए मेन पोर्शन पे, कट कीजिए। लाइनिंग के लिए भी हमको सेम प्लेट्स यूज़ करनी है, मार्किंग करके उनको कटिंग कर लेना है। फोम के लिए भी सेम साइज़ की प्लेट्स रख के हमको कटिंग कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम नीचे लाइनिंग रखेंगे, उसके ऊपर फोम रखेंगे एंड उसके ऊपर टॉप पोर्शन, जो वेलवेट का मटेरियल हमने लिया है। आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वेलवेट हो या सिल्क हो या टेपिस्ट्री मटेरियल हो या जो भी आपके पास घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम पिन्स की हेल्प से इसको तीनों पीसेस को सिक्योर कर लेते हैं और मशीन की सिलाई हम पूरी गोलाई में लॉन्ग स्टिच लेंगे, लंबा बड़ा स्टिच लेंगे। जो कि छोटा स्टिच लेंगे तो वो थोड़ा खींच जाएगा, तो बड़ा स्टिच लेके हम लोग इसको पूरी गोलाई मशीन लगा देंगे। यहाँ हमने मशीन की सिलाई लगा दी है। मैंने यहाँ पर ऐसी लेस ली है जो कि आगे और पीछे मुड़ जाती है, तो उसको हमने सुई धागे से चारों तरफ लगा लिया है और जो एंड होगा उसको थोड़ा आगे तक कट कर लेंगे और उसको अंदर फोल्ड करके उसकी फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद हम मशीन की सिलाई लगा देंगे इसको। मशीन की सिलाई लगाने के बाद जो हमने कच्चा टांका लगाया है उसको खोल देंगे, निकाल देंगे। So, viewers, आज ये मैट्स बनके तैयार हो गए हैं, तो आप इन्हें घर पर बनाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कैसे बने हैं, उनकी फोटो भी भेजिए हो सके तो, एंड लाइक करें, शेयर करें एंड
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।